सबसे पहले तो दोस्तों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वीडियो में मैं आपको भारत बेंज की जो गाड़ियां होती हैं उनके इंटीरियर में जो स्पीडोमीटर लगा होता है उसके बेसिक फीचर और उसे कैसे सेटअप करते हैं, कहां कहां से वो क्या क्या बताता है वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस गाड़ी का इग्निशन जो है ऑन करते हैं। जब आप इग्निशन को ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको जो ये यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है इसके सभी फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाल कलर का बार जो है लगा हुआ है। ये लाल कलर का बार यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं अभी प्रेशर बहुत लो है, तो अभी ये स्टॉप का निशान इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आप प्रेशर लो होने के कारण इसका ब्रेक वगैरह जो है लगेगा नहीं, वो आप समझ ही सकते हैं कि हम लो प्रेशर पे गाड़ी को नहीं चला सकते। तो ये एक हिसाब से लो प्रेशर इंडिकेटर है। जब ये यहाँ पे 6 से और यहाँ पे जो 6 से ये पार हो जाता है तो यहाँ पे जो ये बार होता है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है और ये स्टॉप का निशान हट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्किंग लाइट है बेसिकली। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की। वहाँ यहाँ पे आपको एक RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे आपको एक प्रेशर गेज मिलती है और यहाँ पे आपको 2-in-1 मीटर मिलता है। अगर आप इसके जो ये इसकी सुई देखेंगे तो ये सुई आपको बताएगी कि इसमें तेल कितना है। और अगर आप गौर से देखेंगे कि इसमें जो ये नीले कलर का बार आया है यहाँ पे छोटा करके एड ब्लू भी लिखा हुआ है और ये आपको एड ब्लू मतलब जो यूरिया डलता है इसमें ये उसका मीटर है। तो अभी इसके कुल 4 बार होते हैं, अभी इसमें 3 जल रहे हैं, इसका मतलब इसमें 3x4 टैंकी अभी भी यूरिया पड़ा हुआ है। तो ये इसका बेसिक सा स्पीडोमीटर है। किलोमीटर पर आवर की इसमें स्पीड दिखाता है, ये किलोमीटर पर आवर में दिखाता है, ये माइल्स पर आवर में नहीं दिखाता। और ये इसका मैं आपको डिपर, एक मिनट, डिपर अगर आप डिपर जगाएंगे तो ये हाई बीम लो बीम है। और एक इसका मैं आपको इंडिकेटर, ये इसका सिग्नल इंडिकेटर है। और मैं आपको एक मिनट दोनों जगह के दिखाता हूँ, ये कुछ आपको व्यू मिलेगा। और अगर आपने नोटिस किया होगा जब मैंने इस गाड़ी का इग्निशन ऑन किया था तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी मुझे इसमें चीज़ लगती है, ये आप देखिए गौर से, ये आप देख सकते हैं जो ये लाइट जगी थी अभी, ये बेसिकली आपको बताती है कि कितने RPM पे आपको सही में गियर डाल देना चाहिए। जब ये हरी हो जाती, जब ये यहाँ से सुई 10 पे चढ़ जाती है तो ये हरी होने लग जाती, जब ये बार जल जाए तो आप गियर डाल सकते हैं, उससे आपको एक एवरेज अच्छी मिलेगी और तो उसमें आपको कुछ नहीं। और अभी हम आते हैं इस डिजिटल स्पीडोमीटर पे, जो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, वैसे ये लेमिनेशन ऐसे हटाना नहीं चाहिए। ये यहाँ पे आपको टाइम बताएगा और यहाँ पे आपको स्पीडो ओडोमीटर मिलेगा कितनी अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है, 52,982 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और यहाँ पे ट्रिप है, यहाँ पे आप इसे जीरो कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपको टेम्परेचर बता रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो स्क्रीन है उसे आप चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको इसके सेंटर में जो ये कंसोल मिलता है, ये बेसिकली एक LCD बेस स्क्रीन मिलती है, आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और इसकी जो स्क्रीन है उससे आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो जो इसमें होती है तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दो बटन लगे हुए हैं ये बेसिकली स्क्रीन के लिए ही लगे हैं, इनका कोई और ज़्यादा फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मल्टीटास्किंग जैसा आपको बटन मिला हुआ है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको एक बार दबाऊंगा तो वो जो बार आ गया और दूसरी बार दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अपनी टूर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ट्रिप मीटर आ गया। बेसिकली हमारा जो पहला ट्रिप मीटर है वो है 15,127 और ये हमारा यहाँ पे टूर लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ बटन आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं, ये ट्रिप और ये टेम्परेचर के हैं। और यहाँ पे आप इनको, इससे आप इनको जीरो कर सकते हैं। और यहाँ पे और इस ट्रिप मीटर के बाद जब मैं, आप देख सकते हैं, इस बटन को दोबारा प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको जो है एड ब्लू का जो इसमें कितना अमाउंट रह गया है एड ब्लू का, जो यहाँ पे ये 70% दिखा रहा है और 35 लीटर इसमें अभी ये एड ब्लू या यूरिया जो कह सकते हैं, जो भी 31 मार्च के बाद में जो गाड़ियां हैं उनमें जो यूरिया डलता है तो ये बेसिकली उसका इंडिकेटर है। और ये आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे डिजिटल रूप में देखना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं कि कितने परसेंट रह गया, कितने लीटर रह गया, तो आप यहाँ पे इस बटन को दो बार दबा के देख सकते हैं। अगर इस बटन को मैं एक बार और दबाऊंगा तो यहाँ पे घंटों के हिसाब से कितने घंटे गाड़ी चल गई, 1655 घंटे जो ये अभी तक गाड़ी चल चुकी है और ये इसे लिए हुए हमें तकरीबन 1 साल हो गया।
और इसके बाद यहाँ पे इसमें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, वो है अलार्म की। तो अभी मैं जैसे आप देख सकते हैं जब मैं इस बटन को दबा रहा हूँ तो एक बीप की साउंड आ रही है, वही बीप की साउंड आपको अलार्म के रूप में भी मिल जाती है, जैसे कि मेरे डिजिटल वॉचेस में आमतौर पर कैशियो की वॉचेस में मिल जाती है। तो एक बार मैं इसे फिर से दबाऊंगा तो यहाँ पे आपको टाइम सेट करने के लिए जो मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम को सेट कैसे करना है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये एक हिसाब से इस स्क्रीन के अंदर चला जाएगा और वहां पे आप देख सकते हैं एडजस्ट का आइकन अभी आ गया। जब मैं एक बार इसे दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं 10, 11 और ये बदलने लग गया। तो अभी मैं बेस से यहीं पे छोड़ देता हूं, अगर मुझे इसके जो मिनट सही करने हैं तो एक बार मैं फिर इसे दबाऊंगा। इसमें इसे जब मैंने फिर से दबाया तो अभी ये मिनट ब्लिंक करने लग गए, तो मैं अभी इन्हें भी सेट कर सकता हूं। अगर मैंने इन्हें सेट कर दिया है तो मैं इसको एक बार और दबाऊंगा और अभी ये एक हिसाब से सेव हो गए और वो जो एडजस्ट का ब्लिंकर आ रहा था वो अभी ऑफ हो गया है। तो अभी मैं बैक आ गया हूँ, तो बेसिकली हमने इसका जो टाइम है वो सेट कर दिया। तो बस दोस्तों यही इसकी बेसिक सी फंक्शनैलिटी थी। अगली बार के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।